जो स्टोरी है सर वो रियल स्टोरी है जी, तो मैं सोचे इन्हीं पे फिट बैठेगा, इसके लिए अच्छा। सर मैं इनको चुन लिया जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे रियल स्टोरी है, और रियल स्टोरी थोड़ा सा बताएंगे क्या हो। रियल स्टोरी मतलब मेरा बचपन से है ना, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब उसमें रखा है कैसे है, मतलब जो भी मेरा बचपन गुजरा है, बचपन से मतलब कॉलेज तक जो भी किया हूँ सब इंटरेस्टिंग है सब चीज। अभी वो सब तो इसमें नहीं दिखा सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, अभी सब पिक्चर में आएगा जब सब दिखेगा आपको, स्टोरी जो है ना आपको पूरा दिखेगा उसमें, वो पार्ट वाइज हम लोग दिखाएंगे। इंटरवल तक हमारा बचपन का रहेगा, उसके बाद जो कॉलेज पीरियड का रहेगा, उसके बाद जो हमारा मेरिट का टाइम का रहेगा जी। सब हाँ तीनों का। कौन सा जोनर सर, नाम से तो लग रहा है एक्शन जोनर की फिल्म है, कौन से जोनर की फिल्म होगी, इसमें सिर्फ एक्शन ही होगा कि और भी ड्रामा होंगे? नहीं नहीं, एक्शन मतलब सब रहेगा, कॉकटेल रहेगा इसमें। अच्छा, सब टाइप का, सब टाइप का कॉकटेल रहेगा इसमें। हाँ मतलब कॉमेडी तरीका रहेगा थोड़ा, और मतलब ये बोलते कि वो फाइटिंग्स भी है थोड़ा उसमें, फाइटिंग भी है जी, सब मजाक मस्ती भी है उसमें, डांस भी वगैरह है, तो ऐसा है उसमें पिक्चर में रहेगा पूरा ड्रामा मूवी। सर इसमें कुछ है तड़का है, तड़का मतलब जो अभी गाने का अभी एक्शन आई, नहीं अभी बाहर, अभी बाहर वगैरह में जो शूटिंग होता है, बार वगैरह जो होता है डांस वगैरह वो सब उसमें रहेगा, इंक्लूड रहेगा उसमें। आइटम सॉन्ग्स है, आइटम सॉन्ग्स रहेगा। अच्छा, हाँ जो अपना लाइफ में हुआ है, बिना है, जो हम कुछ किया, गलती किया, जो अच्छा किया, जो भी किया उसमें सब इसमें मेंशन किया गया। मतलब डायरेक्टर साहब से जानना चाहूंगा सर, आइटम सॉन्ग होंगे, कौन गाएगा सी? और किस पे फिल्माया जाएगा, कुछ आपने सोचा है? नहीं अभी क्या ना, अभी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, अभी फिल्म बनाना है, अभी तेरी मेरी दोस्ती है, पहले हम इसको शूट करेंगे, उसके बाद फिर जंग जीवन की जी, जी। तो अपने भाई की पर्सनल स्टोरी है इसमें, जिनके लाइफ में जो जो हुआ वाला, पहले हम लोग बात करते हैं तेरी मेरी दोस्ती पर। ये फिल्म हम लोग सर हैं, राज सर हैं, और उसके बाद हम लोग शूट करेंगे रायबरेली या जौनपुर, जहाँ अपना बनता है, रायबरेली अपने को है, रायबरेली करेंगे शूट, और जो गीत संगीत है सब काम चालू हुआ है, तो अभी आप अभी नहीं बता सकते ना अभी क्या। थोड़ा सा ये नहीं समझ पाया मैंने अभी तक, आपने एक्टर का नाम का खुलासा नहीं किया, तो नहीं जैसे मेन लीड में अपना राज सर है, सर को समझ रहा हूँ, एक्टर है, एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस अभी सब फाइनल लेंगे, भाई हम लोग बात कर रहे हैं, जो फाइनल हो जाता है ना, जैसे दो तीन लोगों से बात की है जो इंटरेस्टेड है तेरी मेरी दोस्ती के लिए, और प्रोडक्शन के काम अभी बाकी है। हाँ प्रोडक्शन भी चल रहा है, स्टोरी म्यूजिक गाना सब बाकी है सर, अभी हम लोग अभी हम एकदम स्टार्टिंग में है जी, अभी हमारा स्टोरी कंप्लीट है, अब उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग सब लिखना। कुछ स्टोरी के बारे में सर बताइए कि ये दोनों फिल्म की कुछ स्टोरी है। हाँ तेरी मेरी दोस्ती हम पहले बात करते हैं, तेरी मेरी दोस्ती ने दो दोस्तों की कहानी है सर, एक दोस्त जो है थोड़ा रंगीन मिजाज का है, कि उसको थोड़ा है गांव में रहता है, लेकिन ख्वाब बड़े हैं कि हम जैसे कि शादी करेंगे, मतलब उसका थीम है ना कि अभी जो करना है कि शादी करना, ऐसा ऐसा लाइफ जीवन है, कि उसको थोड़ा आलसी टाइप का है, लेकिन उसको ख्वाब है कि बड़ा आदमी बनना है, और शॉर्टकट बनाता है कि कोई ऐसा लड़की है शादी करूँ बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो उसके चक्कर में जो जो फंसता है, जो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जान पा जाती है, तो अपना राज भाई है, ये पूरी स्टोरी है, और इस पर हम लोग पूरा करेंगे, इसमें अपना फैमिली ड्रामा है, माँ बाप जो भी है, फैमिली ड्रामा है, दोस्ती है, इमोशन है, एक्शन है, और बहुत सब मिला जुला के पूरा एकदम फिल्म पैकेज है तेरी मेरी दोस्ती। सर दूसरी फिल्म, और दूसरी जो फिल्म है ना सर, जीवन की जंग, ये भाई की एकदम स्टोरी है लाइफ की, स्टार्टिंग में सोलो हीरो है। हाँ सोलो हीरो है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से आए, मुंबई में जो स्ट्रगल किए, उड़ीसा की लाइफ प्लस मुंबई में आना, एक आम लड़के का आना, फिर अच्छे लेवल पहुंचना, जो जो स्ट्रगल किए उन्होंने, ये सब पूरा इस फिल्म में रहेगा, और एक टाइम पे पिकअप होते हैं, हाई पहुंचते हैं, फिर लो होते हैं, फिर वहां पर पहुंचते हैं, सब जो पूरा बीच हुआ है ये सब पूरा हम इस फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरी फिल्म है जंग जिंदगी की, जंग जीवन का है सॉरी जी, तब ये अपना दिलेश्वर भाई की पर्सनल लाइफ है, इसमें ये अपना उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से फिर इनका ख्वाब था कुछ बड़ा करने का, फिर वहाँ से मुंबई आए, पहले उड़ीसा का अपने लाइफ दिखाएंगे, प्लस मुंबई आए, मुंबई में जो स्ट्रगल किया, जो यहाँ पर बनाए, एक टाइम अच्छा खासा मतलब अच्छे लेवल पर गए, फिर उसके बाद कुछ गलतियाँ की ऐसे, फिर लाइफ में नीचे आते हैं, उनको मतलब काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी उनको परेशानियाँ झेलना पड़ी, उसके बाद फिर वहाँ से एक टाइम ऐसा हुआ कि सब लोग बोले कि भाई अब लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ गाँव, लेकिन उसके बाद ये बंदा यहाँ पर खड़ा रहा अपना मजबूती अपने हिम्मत से, उसके बाद फिर एक मुकाम हासिल करते हैं शहर में, आज जो यहाँ पर है, फिर हमसे मिले, बताया कि ऐसे ऐसा अपनी स्टोरी हुई है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम कहा ठीक है भाई, उसके बाद अपना ये स्टोरी पर्दे बुलाना चाहते हैं कि हमने जो जो किया जैसे किया वो पूरा इस पिक्चर हम लोग दिखाएंगे, उड़ीसा बचपन से लेकर अभी तक का जो जितना हुआ है सब कुछ हम बताएंगे दिखाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरह की बायोपिक हो गई, ये बायोपिक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा है जो दर्शक आपको देख के इंस्पायर हो या मोटिवेट हो, क्या कारण होगा, क्यों देखें? इसमें क्या होता है, हर आदमी हर चीज करता है, लेकिन करने के बाद अच्छा क्या बुरा क्या उसको पता नहीं चलता है,
और बाद में कोई सामने वाला मोटिवेट करने के बाद भी सुनता नहीं, वो अपने को राज समझता है, मतलब अपना जो मनमर्जी काम करता है, तो उसमें रिजल्ट फेल भी होता है, कोई पास भी होता है कभी फेल भी होता है, तो उसमें क्या होता है, बड़े लोग का राय लेना चाहिए। और मैं कभी भी अपना मनमानी राय लेता हूँ, डायरेक्ट काम धंधा बिजनेस करता हूँ अच्छा, लेकिन क्या है किसका राय लेता नहीं, जो मन में आया वही लेता हूँ मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में काम करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरा कोई जगह मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से मेरा बड़ा बिजनेस बड़ा लेवल में जाने के बाद फिर मैं नीचे आ गया, मतलब एक अच्छे लेवल में गया था, अच्छे लेवल में फिर नीचे आया, फिर मैंने मेरा घर पे दोनों पैर टूट गया मेरा, दोनों अलग हो गया पैर, फिर मैंने दोनों पैर में सलिया लगा गया एक एक फुट का। उसके बाद सब लोग बोले अभी काम कर नहीं पा गए, मतलब अपंग हो गए, तो मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस था, मैंने खुद मतलब स्टेमिना रखा कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करूंगा फिर मैं खुद खड़ा हूँगा, फिर मैं खुद खड़ा होकर फिर काम चालू किया मैंने, फिर वापस बिजनेस को मैं स्टार्ट किया मैंने अभी, तो बिजनेस अभी अच्छे तरीके से चल रहा है अभी। तो मैं सोचता हूँ कि जो जिसका जिसका मन में भावना है कि आदमी एक बार फेल होने के बाद दोबारा कर नहीं सकते, वो सब इसमें मोटिवेट किया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि आदमी का मन के अंदर क्या बोलते हैं जिगर रहेगा तो बाजीगर बन सकते हो। तो ये चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अंदर है ना ताकत रखना चाहिए, इम्यूनिटी रखना चाहिए कि कोई चीज को हम लोग फेस कर सके, हर चीज को हम फेस कर सकते हैं, वो अंदर है ना रखना चाहिए, उसको पावर जनरेट करना चाहिए उसको। सर आपसे जानना चाहूंगा कब तक ये फिल्म जो है शूटिंग के लिए जा रही है? सर ये अक्टूबर से अपना निकलेंगे फ्लोर पे, पहले हम लोग जाएंगे अपना ये तेरी मेरी दोस्ती वो करने के बाद आएंगे, तो उसके बाद जीवन की जंग लेकर जाएंगे, पहले भी हम लोग इसको लेकर जाएंगे। अक्टूबर तक दोनों फिल्म एक साथ शूट हो रही है? नहीं, अलग अलग हो रही है। पहले पहली फिल्म कौन सी होगी? तेरी मेरी दोस्ती। उसके बाद दूसरा कौन से कौन कब तक जाएगी? दूसरा उसके बाद कम से कम डेढ़ दो महीने बाद, थोड़ा ठंडी आ जाएगी ना, फरवरी में जाएगी। अच्छा फरवरी तक दूसरी जाएगी, क्योंकि थोड़ा पार्ट हम लोग शूट करेंगे उड़ीसा में उसका स्टार्टिंग का, मैं सोचता हूँ रियल स्टोर उड़ीसा से स्टार्ट करते हैं, फिर मुंबई का पोर्शन जो रहेगा वो सब। अच्छा मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोग को, और मेरी उम्मीद है कि अच्छी फिल्म बनाएंगे ये लोग, स्टोरी भी अच्छी है और कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा, एक्चुअली मैंने सुना जो हिसाब से है फिर। तो जी सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहेंगे, इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है, सारे गाने हमारे हैं जी, बोलना क्या चाहेंगे, बोलते हैं तो बहुत बोले, बहुत फिल्में बोले। तो किस तरह के दे रहे हैं म्यूजिक, किस तरह के गाने? बहुत अच्छे म्यूजिक, बहुत अच्छे अच्छे गाने, जो आप सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, पूरी दुनिया खुश होगी। अच्छा जी जी सर आप बताइए कैसे किस तरह की कोरियोग्राफी कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं रेहान खान, मैं इनकी एक पिक्चर किया था ओविस में भी मैं कोरियोग्राफर था, और अभी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है फिर वापस प्रोड्यूसर के साथ में काम करने का, और मुझे मतलब दो दो फिल्म मिल रही है फिर वापस कोरियोग्राफ करने के लिए, उम्मीद है कि और अच्छा कोरियोग्राफ करूँगा और अच्छे मतलब कुछ नया चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जो मतलब आज गणेश चतुर्थी के दिन पिक्चरों की मतलब मुहूर्त किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।